हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय नंबर 2 करेंगे, जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में है। तो चलिए करते हैं। इसका पहला प्रश्न है 2x-3 = x+2। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 2x-3 = x+2। यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वाले पद को बराबर के इस साइड लिख लेंगे और बिना एक्स वाले पद को बराबर के इस साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बराबर का बराबर। ठीक है, यहाँ 2x है, ये एक्स बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इधर के इधर, और ये माइनस के 3 इधर आ गए, ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 2x में से 1x को घटा देंगे, कितना बचेगा, अकेला x बचेगा। बराबर 2 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5। तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो यहाँ दिया है 4z+3 = 6+2z। तो इसको लिख लेंगे हम 4z+3 = 6+2z। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, जेड जेड वाले पद को इस साइड लिख लेंगे और बिना जेड वाले पद को इस साइड लिख लेंगे। तो ये 4z, ये 2z इधर आके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और ये 6z, ये 3 इधर आके माइनस के 3 हो जाएंगे। 4z में से 2z को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2z, 6 में से 3 को घटा देंगे, कितने बचेंगे, 3। ठीक है, जेड का मान निकाल लेंगे यहाँ से हम, जेड बराबर 2 इसके गुणा में, तो ये बटे में आ जाएंगे, 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया, ये आ गया जेड का मान। अब हमें यहाँ क्या करना, उत्तर की जांच करना है, ये उत्तर है, ये उत्तर सही है या नहीं। तो यहाँ करेंगे हम जांच, जेड का मान 3/2 है, यहाँ रख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम जांच 4z+3 = 6+2z। यहाँ 4 रख दिया, जेड की यह रख देंगे 3/2। ठीक है, +3 = 6+2z की यह रख देंगे 3/2। अब ये 2 के पड़ोसी इन दोनों को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का इसका गुणा हो जाएगा, कितना आएगा, 6, 2 तीय 6, और +3, ये 6 की 6 लिख लेंगे, 2 के पड़ोसी से इसको काट देंगे। ठीक है, प्लस, और ये 3 बचा, ये 3, 6 और 3 को जोड़ देंगे 9, और ये 6 और 3 को जोड़ देंगे 9, ये दोनों पद बराबर आ गए, LHS = RHS। तो यानी कि ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। हल कीजिए 5x+7/2 = 3/2x-14। तो यहाँ लिख लेंगे हम 5x+7/2 = 3/2x-14। यहाँ क्या करेंगे हम, एक्स एक्स वाले पद को बराबर के साइड लिख लेंगे। ये 5x है, ये 3/2x को यहाँ लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस के 3/2x। ठीक है, और ये माइनस के 14, ये 7/2 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 2 5 10x, 1 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 3x। ठीक है, ये 3x है, यहाँ पर x के इसमें गुणा में है, x से 3 के गुणा में है। ठीक है, और 2 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2। इसी प्रकार से 14 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, माइनस का 28, 7 का 1 में करेंगे तो -7 और 2 एकम 2। ठीक है, 10x में से 3x को बढ़ा देंगे, कितने बचेंगे, 7x/2 = 28, और -7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, 35, -35/2। ठीक है, ये 2 यहाँ से, ये 2 कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचा, 7x = -35, 7 इसके बटे में आ जाएंगे, x बराबर
माइनस के 35/7, 7 के बड़े से इसको काट देंगे, 7 कम 7, 7 पंजे 35, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं, हल कीजिए। एक्स बराबर 4/5 ब्रैकेट में एक्स प्लस 10, तो यहाँ लिख लेंगे हम एक्स बराबर 4/5 ब्रैकेट में एक्स प्लस 10। ठीक है, ये 5 इसके बटे में है, तो 5 का हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, बराबर 4 के अंदर गुणा हो जाएगा 4x प्लस 4 का 10 में करेंगे 40। ठीक है, ये x वाला पद है, हम इसको बराबर के साइड लिख लेंगे, 5x ये माइनस का हो जाएगा 4x बराबर 40। ठीक है, 5x में से 4x को बटाएंगे कितना आएगा, 1x बचेगा बराबर 40, एक्स का मान कितना आएगा 40, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 करते हैं, हल कीजिए। 8x+4 = 3 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1+7, तो यहाँ लिख लेंगे हम 8x+4 = 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3 का अंदर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, माइनस का 3 और ये प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7 होगा। एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे, 8x, 3x, 3x इधर आ गए, ये माइनस के हो गए बराबर, ये माइनस के 3, ये प्लस के 7 और ये प्लस के 4 इधर आ गए, माइनस के 4 हो गए। ठीक है, 8x में से 3x को उठाएंगे कितने बचेंगे 5x, ये माइनस का और ये माइनस का, ठीक है, तो ये प्लस का 7, इसी प्रकार से ये प्लस का 7 इसी प्रकार से लिख लिया, और माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 4 को जोड़ देंगे, माइनस के 7 होंगे, 7 से 7 कट गए। ठीक है, तो 5x = 0, ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 इसके बटे में जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 करते हैं, हल कीजिए। 6x+1/3 = x-3/6, तो यहाँ लिखेंगे हम 6x+1/3 = x-3/6। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, हम कैची गुणा कर देंगे, 6 का इस पूरे में गुणा कर देंगे और 3 का इस पूरे में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम 6x+1, ये 6 का इसमें गुणा कर दिया, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x-3। ठीक है, 6 का अंदर गुणा हो जाएगा, 6×36 हो जाएगा एक्स, और ये 6 6×6 3x, 3×9, ठीक है, ये 36x, ये 3x इधर आके माइनस के हो गए बराबर, और ये माइनस के 9, ये 6 इधर आके माइनस के हो गए। ठीक है, 36x में से 3x को बढ़ा देंगे कितने बचेंगे, 33x बराबर, माइनस का 9 और माइनस के 6 जुड़ के कितने हो गए, माइनस के 15। ठीक है, तैतीस इसके बटे में आ जाएंगे, एक्स बराबर माइनस के 15/33। ठीक है, अब 3 के पड़े से ये कट जाएंगे, 3×3, 3×3 और 3×5=15, तो एक्स का मान आएगा माइनस का 5/11। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 करते हैं, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। यहाँ दिया है m-m-1/2 = 1 - m-2/3, तो यहाँ लिख लेंगे हम m-m-1/2, ठीक है, बराबर 1 m-2/3। इसके नीचे हम एक मान लेंगे और इसके नीचे भी एक मान लेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 2m, 1 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा माइनस का m-1 आएगा। ठीक है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे 2, ठीक है, बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे 3, और 1 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा m-2, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3×3। इसको ब्रैकेट को खोल दो, यहाँ हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो 2m-m हो जाएगा ये, और ये +1/2 बराबर ये 3-m+2/3। ठीक है,
ये दो एम में से एक एम को घटा देंगे कितना बचेगा, एम बचेगा और ये प्लस का 1/2, ठीक है, बराबर ये तीन और ये दो, ये आपस में प्लस के हैं जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ये, ठीक है, ये 5 माइनस एम 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका कैची गुणा कर देंगे, 3 का इसमें कर देंगे और 2 का इन दोनों में कर देंगे, 3 का एम प्लस 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 3m+3, ठीक है। अब 2 का इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 और माइनस के 2m, ठीक है। एम वाले पद को उधर लिख लेंगे, 3m, और ये माइनस का इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा बराबर ये 10। इसी प्रकार से ये 3 इधर आ के माइनस के हो जाएंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे, 5m बराबर 10 में से 3 घटा देंगे, 7 बचेंगे, m का मान आ जाएगा 7/5, 5 इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएंगे, m का मान आएगा 7/5, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 करते हैं, हल कीजिए, x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। यहाँ लिखेंगे हम x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4, ठीक है। तो x वाले पद को बराबर किस साइड लिख लेंगे, तो ये x/2, x/3 इधर आ गए, ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, और ये बराबर 1/4, 1/5 ये माइनस के हैं तो इधर आ गए ये प्लस के हो जाएंगे, 1/5, ठीक है। x का इसमें गुणा कर देंगे, अब इसका काम, अब इनका हम कैची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 2x, ठीक है, ये x है, और इन दोनों को आपस में कर देंगे कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार से 5 का इसमें कर देंगे कितना आएगा, 5, 4 का इसमें करेंगे 4, इन दोनों कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 3x में से 2x को घटा देंगे कितना बचेगा, 1x बचेगा और ये 6/5, 5 और 4 = 9/20। अब इसका गुणा इसमें कर दो, ये 20x हो जाएगा और 6 का 9 में कर देंगे, 9 × 6 = 54 हो जाएंगे, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 56, 9 का 6 में करेंगे तो 54 हो जाएगा, 9 × 54, ठीक है, ये हो गए 9 × 54 और ये 54 है, ठीक है। अब 20 इसके गुणा में है तो ये 20 में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम छोटा करके लिख सकते हैं, इसको हम 2 के पाड़े से काट सकते हैं, ये 10 बार कटेगा और इसको 2 के पाड़े से काटेंगे ये 27 बार कटेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा x = 27/10, ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 करते हैं, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलने हुए हल कीजिए। तो यहाँ लिखा है 15(y-4 - 2)(y-9) + 5(y+6) = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, 15 का इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 15y, ठीक है, 15 का इसमें कर देंगे गुणा कितना आ जाएगा, 15 × 60, माइनस के 60 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 का गुणा इसमें करेंगे तो -2y, माइनस का 2 का गुणा 9 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 2 = 18, ये प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस 5 का इसमें करेंगे तो 5y हो जाएगा, 5 का 6 में करेंगे तो 5×6=30 = 0, ठीक है। अब इसमें वाई वाई वाले पद कौन से हैं, ये 15y और ये -2y और ये 5y, तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, जोड़ लो कितना हो जाएंगे, 20y और ये माइनस के 2y, इसी प्रकार से, ठीक है। अब ये बिना y वाले पद जो है ना, इनको बराबर के इस साइड ले जाओ, तो माइनस ये बराबर लगा दिया हमने, ये इधर आके प्लस के हो गए, ठीक है, और ये बराबर के इस साइड आके माइनस के 18 हो गए, और ये बराबर के इस साइड आके माइनस के 30 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 20y में से 2y को घटा देंगे, कितने बचेंगे, 18y, और यहाँ माइनस के 18 माइनस के 30 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा,
माइनस के 48, ठीक है। यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं 20y-2y बराबर ये 60-18 और माइनस के 30, ठीक है। 20 में से 2y को घटा देंगे कितने बचेंगे, 18y बराबर ये 60, इन दोनों को जोड़ लेंगे माइनस माइनस वाले हैं। यहाँ हमने ये दोनों माइनस के थे, इन दोनों को जोड़ लिया कितने हो गए 48, ठीक है। अब ये 18y इसी प्रकार से लिख लिया और ये 60 में से 48 को घटा दिया कितने बचेंगे 18, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर लिखेंगे हम 18 इसके गुणा में, तो ये बटे में आ जाएंगे 18/18, तो 18 के पाड़े से ये कट गया, एक बार 18 आएगा 18, तो y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 करते हैं, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यहाँ लिखा है 3t-3 बराबर 5 2t+1, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3t-3 3×9, ठीक है। 3 का गुणा इसमें कर दिया 3t हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 5 का गुणा इसमें कर देंगे, 5 × 2 = 10t और 5 का एक में करेंगे तो 5 × 5। टी वाले पद को एक साइड लिख लेंगे हम, 3t, ये 10t इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है बराबर, और ये 5t ये माइनस के 9 इधर आके प्लस के हो जाएंगे। ये माइनस के 10t और ये प्लस के 3t घट जाएंगे, माइनस के 10 में से 3 को घटा देंगे कितने बचेंगे, माइनस के 7t बराबर, ये इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे 14, ठीक है। ये t बराबर ये माइनस के साथ इसके बटे में आ जाएंगे 14/-7t, इसको काट देंगे 7 के पड़े से 7×7 7×2 = 14, तो t का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। यही इसका उत्तर होगा। छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।